सेम टू सेम है राजस्थान के खमाघनी और हरियाणा के राम राम में मेहमान नवाजी का एहसास। सेम टू सेम है पंजाब के भंगड़े और कोलकाता के सिंदूर खेला में जश्नबाजी का एहसास। इंडिया के अलग तरीकों में एक ही एहसास समाया है, लेकिन इंडिया की आवाज ने एक होकर भी कई एहसासों का वरदान पाया है। ऐसी आवाजों के वन स्टॉप डेस्टिनेशन पे हम आ रुके हैं, जहां एक आवाज में लाख एहसास छुपे हैं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहां से कहां जाएं हम, तेरी बाहों में तुझे देखा तो ये जाना सनम। ये हिट से ज्यादा लिट दादा था, हिट से ज्यादा लिट दादा। जिस रोशनी में सब लोग चमक जाते हैं, जैसे मैं चमकता हूँ। तू चमकता है या तेरा नहीं? अच्छा ठीक है, अभी शुरुआत है सर। हाँ, कोई बचा के रखो, कोई बात नहीं। चलो हिट है लिट है तो हम लोग सीट है। शानुदा, श्रेया, इंडियन आइडल 14, नया सीजन, नया वाइब, अब शुरुआत कर रहे हैं। जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत सारे लोगों का गाना सुनना है। आई थिंक सबसे जूनियर जज से शुरू करते हैं, जो कि नए नए जज बने हैं। शानुदा जूनियर बोल रहा है, जूनियर यहाँ पे, बाकी दुनिया भर में बहुत सीनियर। अच्छा चलेगा ना? आई एग्री। दादा, शी इज अंजना पद्मनाभन। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काम। तुम तो कमाल की चीज हो यार। थैंक यू। ये तो जीत के गई है यहाँ से। ओह अच्छा। अंजना पद्मनाभन, 10 साल बीत गए अंजना। So good to see you. जो भी मैंने सीखा ये प्लेटफॉर्म से सीखा, जो भी मुझे मिला, आइडल वॉज माय घराना, मैं ये जरूर कहूंगी। क्या बात है। यहाँ से जैसे मैं गई बैंगलोर, मैं 10 साल की थी तब, तो एजुकेशन वाज आल्सो देयर। उसके साथ साथ म्यूजिक सीखना पहले सबसे प्रायोरिटी था, तो मैंने थोड़े थोड़े डिफरेंट स्टाइल सीखने की कोशिश की। हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखा, कर्नाटिक थोड़ा सीखा, और वेस्टर्न क्लासिकल भी थोड़ा सा सीखा। और अभी थोड़ा कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके सामने थोड़ा अच्छे से गा लूँ। अरे गुड गुड। कि हिंदी कितनी अच्छी हो गई है। अरे मैं हिंदी बात नहीं करती। तो फिर गाना कैसे गाती? मेमोराइज करती हूँ, मेमोराइज मेमोराइज। वाइब वही है, मतलब बचपन वाली मुस्कान है, बचपन मतलब द सेम सेम। जी सर, इट्स मैं बहुत खुश हूँ, स्पेशली आप सबके सामने गाने के लिए, इट्स वेरी स्पेशल। थैंक यू सो मच। चलो, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से गाओ। भीगे ओ हम नागी ना
God bless. क्या बात है? छेड़ दो मैं कभी प्यासे तो तंग होती है, छोड़ दो रूठ के तो भी तो जंग होती है, छेड़ दो मैं कभी प्यासे तो तंग होती है। आपका अपने घर में स्वागत है, क्या बात है, ग्रेट टू हैव यू बैक। ये आवाज, ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा हिट है। थैंक यू सो मच। आई थिंक आई लॉस्ट ऑल कंट्रोल ऑफ माय फेस, मतलब मेरे इतने एक्सप्रेशंस थे, मैं रो भी रही थी, हंस रही थी, मैं जंप कर रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मतलब फॉरगेट ऑल द थिंग्स दैट हम जानते हैं आपको पहले से, आप जीत चुकी है इंडियन आइडल जूनियर, लेकिन आज जो किया है ना, आई वाज नॉट रेडी फॉर दिस। थैंक यू सो मच मैम। यूजुअली एक गाना एक जॉनरा का होता है, आप उसी में रहते हो, इसमें आपने इम्प्रोवाइजेशंस जो की है, डायनामिक्स का कंट्रोल, कहीं खुल रही है आवाज, कहीं स्केल चेंजेस विद प्रिसिजन। आहा, मुझे लगता है जितना आपके पापा आपकी मम्मी का जो फीलिंग हो रहा होगा आपकी परफॉर्मेंस सुनते हुए, मुझे वही फीलिंग हो रही थी। एंड आई वाज लाइक विशाल होल्ड मी, कंट्रोल मी, आई कांट हेल्प मायसेल्फ। बट यू नो व्हाट द वन थिंग, आपकी टेक्सचर हमेशा खास थी, हम उस वक्त भी बोलते थे और अभी भी। थैंक यू सो मच सर। सी लॉट ऑफ पीपल देयर वॉइसेस चेंज, बट आई एम टेलिंग यू योर वॉइस हैज चेंज्ड, बिकम सो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, क्या क्वालिटी है आपकी यार, कमाल है, कमाल। Fantastic, fantastic. Thank you, Baba. Thank you. क्या बताएं? गाने में बोल था नागिना, आप एक नागिना ही हो यार। Good boy. माल। तो दादा, आप पहली बार सुन रहे हो, आप डिसाइड करो। टिकट या माइक? टिकट फिकट डिजर्व नहीं करते हैं। चलो दे दे क्या तुमको? Come on, जाके दे दे। Come on. नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेनुका बोड़ेल है। कितने साल की हो आप? मैम मैं 25 साल की हूँ। साथ में कोई आया है? नहीं, मैं अकेली आई हूँ। एक्चुअली ना, इंडियन आइडल से पहले मैं साईं बाबा के दर्शन के लिए पुट्टाभर्ती गई थी, वहाँ से साईं का आशीर्वाद लिया तो आप मुंबई आ गई। क्या बात है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। तो आप अकेले ट्रैवल करती हैं? यस मैम, मैं सब कुछ कर लेती हूँ। मैं सिंगिंग के अलावा कुकिंग करती हूँ, शॉपिंग करती हूँ, शॉपिंग, ट्रैवलिंग करती हूँ, हारमोनियम प्ले करती हूँ, जो नॉर्मल लोग करते हैं मैं सब कुछ करती हूँ। ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से गाओ। स्केल स्केल एक बार देंगे बैंड के पास। तुम्हें तो भरे हो चांदनी।
अच्छा उसका सुर मिला रहे तारा बाकी सारे को भी ऐसी साउंड चेक करना चाहिए यार I'm not prepared for this.
मीनुका, हम लोग जिस चीज को पूछते हैं ना, आज उसको सामने देखा है। साक्षात जिस चीज को मैं पूछता हूँ म्यूजिक को, वो आप हो, खुद हो। थैंक यू सर। आपने दिल निकाल के मेरा ऐसे मतलब उसके यूं टुकड़े किए हैं। श्रेया रो रही है, मैं रो रहा हूं, मतलब हम मतलब ये आज मुझे ऐसा लग रहा है कि म्यूजिक को मेरे मुझे दिल से सॉरी कहना चाहिए, क्योंकि जिस सच्चाई से आपने आज गाया है और जो आप आज स्टेज पर ले आई हैं, मतलब मुझे आज के बाद जो म्यूजिक मैं बनाऊंगा वो चेंज होगा आपकी वजह से। सर मुझे भी गाना है आपके कंपोजिशन में। कि अगर मेरे नसीब हुए तो ये जरूर होगा। और सानू सर के साथ ड्वेट गाना है, और श्रेया मैम के साथ भी लेडीज लेडीज का कुछ हो जाए तो मजा आएगा। आई लव यू यार मेनुका। लव यू टू मैम। ये पकड़िए, ये गोल्डन माइक है। ठीक है, ये सबसे डिजर्विंग सिंगर्स को मिलता है। थैंक यू। भगवान के लिए लाइट्स लगाइए, पटाखे फोड़िए, आज म्यूजिक को सेलिब्रेट करिए। दे दो मर्दान में पुजियारे, तुम पालनहारे। क्या बात है, कम ऑन। लेकिन मुझे चिल्लाना ही नहीं आता है। वो हम चाहते हैं कि श्रेया प्लीज दो लाइन इनके साथ गा दो। मैम का ही गाना गाएंगे। वो कौन सा? घर मोरे पर्दे से गाओगी? घर मोरे पर्दे या कोई और? मोहे रंग दे। वाओ यार, तुम्हारी चॉइस तो कमाल है यार। मोहे रंग दो लाल। मोहे रंग दो लाल। हाय हाय हाय, ये तो मुझे भी सुन यार। यार क्या बात है, ये रो रो के ना मेरा मेनू का तुमने आज मुझे बहुत रुलाया यार। मोहे रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल, नंद के लाल ताल, छेड़ो नहीं बस रंग दो लाल, मोहे रंग दो लाल। देखो देखो तुझको मैं होके निहार, हम हंस रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम पागल हो गए। मेनुका थैंक यू, थैंक यू सो मच। जल्द मिलते हैं, आ जाइए। थैंक यू। सुहारी सुहारी है ये कहानी,
जो खामोशी सुनाती है जिसे तूने चाहा होगा वो तेरा मुझे वो ये बताती है मैं मगन हूँ पर न चारू कब आने वाला है वो पल जब हौले हौले धीरे धीरे खिलेगा दिल का ये कमल कि बुम 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 पारा अपारा ए मत होश दोनों ये कैसा समय है ये कैसा समा है कि शाम है पिघल रही ये सब कुछ नया है सब कुछ जवा है ये जिंदगी मचल रही जगमगाती जिल मिलाती पलक पलक पे खाब है सुन ये हवाएं गुनगुनाए जो भी दिला जवाब है कि बुम 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 पारा पारा हे खामोश दोनों के बुम 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 पारा पारा ए मदहोश दोनों भाई मेगा जी जी सर तेरा क्या वॉइस है यार थैंक यू सर ऊपर नीचे एकदम सपाट बहुत जबरदस्त मेरे बहुत अच्छा लगा थैंक यू सर और तुम्हारे क्या हरकतें की है तुमने थैंक यू सर फैंटास्टिक सिंगिंग आपको याद रखना है दोनों अलग अलग कंटेस्टेंट है ये दो एक्ट है हाँ अगर दोनों को यहाँ कर दिया तो असुविधा क्या है नहीं कोई असुविधा नहीं खाली एक मतलब साथ में हर बार साथ में नहीं गाएंगे ऐसे नहीं कोई बात नहीं मेरे को दोनों ही अच्छा लगा दोनों के लिए एकदम मेरी तरफ से पूरा हाँ है हाय हाय थैंक यू सो मच सर थैंक यू सो मच ये अरुणाचल प्रदेश की कुछ खासियत है क्या मैजिक क्रिएट किया है तुम दोनों ने टू बी वेरी ऑनेस्ट थैंक यू सो मच मैम दोनों का एक स्टाइल ऑलमोस्ट एक ही जैसा है फिर भी अलग है करनोई की आवाज में भारी मुझे पापोन की याद आ रही है भारी मतलब जब आप लो नोट गाते हो तो ऐसा स्टेज हिलने लगता है ये परफॉर्मेंस जो था ये हिट से ज्यादा लिट है तेरा ये परफॉर्मेंस हिट से ज्यादा लिट है ना 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 ना। तुझको आगे जाने का यहाँ से परमिट है बहुत अच्छा यार वेलकम बैक टू इंडियन आइडल को प्रेजेंटेड बाय विमल इलायची रहे हैं ऑडिशन नमस्कार मेरा नाम मिसमी बोस है मिसमी हाँ जी अरे बाबा मैं 21 साल की हूँ और मैं गुवाहाटी आसाम से हूँ मिसमी का मतलब क्या है आपकी बहुत याद आती है सर सर लिटरली साउंड करने में तो मिसमी है ये एक एक्चुअली स्ट्रीम का नाम है अमेज़न जंगल्स का मेरे ख्याल में मिसमी जब भी तुम नाम लिखोगे उसके बाजू में एक क्वेश्चन मार्क डाल देना मिसमी क्या बात है दादा क्वेश्चन मार्क गाना सीखती हो हाँ जी मैम गाना बचपन से सीख रही हूँ मैं मेरे बुआ के पास से सीखी हूँ घर में कोई नहीं गाता बट सब सुनकार है तो वही से सीखी हूँ व्हाट अ वंडरफुल वर्ड अच्छा शब्द है बहुत बहुत खूबसूरत वर्ड है हम भी सब यहाँ पे सुनकार बैठे हुए हैं मैं जानना चाहूंगी कि तुम क्या गाने वाली हो आज मैम मैं आपका गाया हुआ और जसविंदर नरुला जी का गाया हुआ मोरे पिया देवदास मूवी से गाने की कोशिश करूंगी क्या बात वाह क्या बात है ईयर 2000 में रिकॉर्डेड गाना है मैंने शायद कभी भी इसको लाइव भी नहीं गाया है क्योंकि ये बहुत मुश्किल गाना है इट्स गोना बी अ टफ वन बट लेट्स सी मैम एक्चुअली दिस वाज एक्चुअली वन ऑफ द फर्स्ट सॉन्ग ऑफ योर्स जो मैंने सुना था बचपन में एंड मैम आपसे मैंने एक बहुत ही सुंदर चीज सीखी है स्माइल करके गाना मोरे पिया
करता है देखो मोरा जिया मोरे पिया डरता है देखो मोरा वाह 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 मजा आ गया इस गाने के जो लो नोट्स हैं इस की में इतने लो हैं बातचीत से गाने में जाना और इतने यूनिक एंड डिफिकल्ट कॉम्पोजिशन में जाना इट्स नॉट इजी एट ऑल वेरी वेरी आसमान की बाहों में चांद अकेला ठहरा था एक है हमारे साथ में जो करती है ऐसा काम नहीं आई टोल्ड यू कि ये गाना मैं खुद ही अटेम्प्ट नहीं करती हूँ बिकॉज ये जो ट्रांजिशन है ना करना आसान नहीं है इस फिल्म में किरण खेर जी जब वो कर रही हैं शीज खुशी से पागल हो गई है वो मतलब इट्स अ ओवर ड्रामेटिक रेंडिशन उनके भी स्टाइल में ना जसविंदर जी ने गाया है वो डेलिकेट वाला मोरे पिया जो मेरा हिस्सा है वो आता है या फिर वो अंतरा उसमें इतना देयर इज अ लॉट ऑफ लव एंड इट्स वेरी सेंसुअस उसमें पूरी छेड़खानी चल रही है एट द एंड उसमें एक मैडनेस है जो आपने क्रिएट किया उसका जो कोडा है जो आउटरो में दिस परफॉर्मेंस वाज हिट से ज्यादा लेट है एक और बड़ा धमाका है तुम्हारे लिए मिस वी कम ऑन लेट्स डू इट तुमको मिल रहा है गोल्डन माइक फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़